ज़ेनॉन कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं। उत्कृष्ट गैस का यह एक ऐसा सदस्य है जो विभिन्न प्रकार के यौगिक बना पाते हैं, जैसे कि ज़ेनॉन के फ्लोराइड, ज़ेनॉन के ऑक्साइड, ज़ेनॉन के ऑक्सी फ्लोराइड। तो ज़ेनॉन जो यौगिक बना पाते हैं, इसका कारण यही है कि इसकी जो आयनन ऊर्जा का मान है वो ऑक्सीजन के लगभग बराबर होती है, इसकी प्रथम आयनन ऊर्जा का मान। इस परिवार में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं आयनन ऊर्जा के मान में कमी देखते हैं, तो इसी वजह से जो हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, इसका जो आयनन विभव का मान है वो उच्च होता है। और अधिक आयनन विभव होने के कारण ये हीलियम, नियॉन एवं ऑर्गन यौगिक नहीं बना पाते हैं, जबकि ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन इनके यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज़ेनॉन के फ्लोराइड। ज़ेनॉन के फ्लोराइड बनाने के लिए ज़ेनॉन फ्लोरीन से जब क्रिया करता है तो विभिन्न अनुपात में वो क्रिया करते हैं, और अलग अलग अनुपात में क्रिया करके वो डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड एवं हेक्साफ्लोराइड बना पाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़ेनॉन जब फ्लोरीन के साथ 2:1 में क्रिया करते हैं, अर्थात ज़ेनॉन 2 और फ्लोरीन 1:1 में लिया जाता है, और 673 केल्विन टेम्परेचर पर निकिल वेसल के अंदर यहाँ पर 1 bar प्रेशर दिया जाता है, तो यहाँ बनने वाला यौगिक है वह है ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड XCF2। अगली स्थिति है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाने के लिए, जहाँ पर ज़ेनॉन और फ्लोरीन की जो मात्रा का अनुपात है वो 1:5 है, और 873 केल्विन टेम्परेचर है, निकिल वेसल के अंदर 7 bar प्रेशर यहाँ दिया जाता है, तो बनता है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड XCF4। ज़ेनॉन जब फ्लोरीन के साथ 1:20 में इस अनुपात में क्रिया करता है और टेम्परेचर 573 केल्विन, प्रेशर 60-70 bar होता है निकिल वेसल के अंदर, तो बनता है ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड XCF6। XCF4 के द्वारा XCF6 भी बनाया जा सकता है। XCF4 जब O2F2 से रिएक्ट होते हैं, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट होते हैं 143 केल्विन टेम्परेचर पर, तो बनता है XCF6। XCF4 प्लस O2F2 इज इक्वल टू XCF6। अब हम ज़ेनॉन के जो फ्लोराइड है उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। ज़ेनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ेनॉन का परमाणु क्रमांक है 54, 5s2, 5p6, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ज़ेनॉन के चारों तरफ 2 fluorine है F2, तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 7, लेकिन जब उसे विभाजित करते हैं तो 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1, तो ज़ेनॉन के चारों तरफ 2 2pz1 हैं फ्लोरीन के। तो अब जब ज़ेनॉन के चारों तरफ 2 fluorine परमाणु है तो ज़ेनॉन के इलेक्ट्रॉन 5p के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 5d में जाते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, तो 5pz में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चला जाता है। अब यहाँ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि सभी की ऊर्जा अलग अलग है s, p और d की, तो यहाँ पर समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों के निर्माण के लिए ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, संकरण होता है, और sp3d संकरण होता है। sp3d संकरण से हम यहाँ देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें से 3 lone pair होता है और 2 bond pair होता है, अर्थात 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो संरचना होगी, संकरण तो sp3d है, होना चाहिए था त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना, लेकिन इसकी संरचना विकृत हो गई, अब ये रेखीय संरचना को दर्शाता है। तो ज़ेनॉन केंद्रीय परमाणु है, ज़ेनॉन ऊपर 1 fluorine, नीचे 1 fluorine, और 3 में लोन पेयर है, 1 lone pair, ये इसका 2 lone pair और ये इसका 3 lone pair। तो इस तरह से ज़ेनॉन के 3 lone pair हैं, तो VSEPR थ्योरी के आधार पर इसकी संरचना रेखीय हो जाती है, होना चाहिए था
त्रिकोणीय द्विपिरामिडी VSEPR थ्योरी के आधार पर। अगला हम देखेंगे ज़ेनॉन टेट्रा फ्लोराइड XEF4। यहाँ भी हम उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहले समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखना होता है कि केंद्रीय परमाणु ज़ेनॉन के चारों तरफ कितने फ्लोरीन परमाणु हैं। तो ज़ेनॉन का परमाणु क्रमांक है 54, बाह्यतम कोश में 5s2 5p6, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसके चारों तरफ चार फ्लोरीन परमाणु आ गए। तो एक फ्लोरीन में 2pz1 का एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो यहाँ चार फ्लोरीन है, तो चार 2pz1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो ज़ेनॉन के चारों तरफ प्रेजेंट है। तो अब ज़ेनॉन में उत्तेजन कराना है 5pz और 5py से एक एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इस प्रकार 5d में चला जाता है। जब ये 5p से 5d में जाते हैं तो अब यहाँ चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। तो यहाँ जो संकरण होगा वो sp3d2 संकरण है। sp3d2 संकरण के आधार पर इसकी जो संरचना होती है वो अष्टफल की होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ 6 होते हैं और इसमें से 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर इसलिए क्योंकि वो 4 फ्लोरीन परमाणु के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। sp3d2 संकरण हो रहा है, टोटल 6 संकरित कक्षक बनते हैं जिसमें से 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। तो जब ये फ्लोरीन के साथ अतिव्यापन करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो XeF4 का निर्माण होता है। XeF4 में हमें दिखाई देता है कि 2 लोन पेयर है, तो इस वजह से भी इसकी संरचना अष्टफल की ना होकर विकृत हो जाती है और विकृत होकर इसकी संरचना वर्ग समतली हो गई। तो अब ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा, ज़ेनॉन केंद्रीय परमाणु है और इसमें 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, इस तरह से हम व्यवस्थित करेंगे और एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और ये चौथा फ्लोरीन। तो ये एक वर्ग समतली संरचना को दर्शाता है और होना चाहिए था अष्टफल की, लेकिन हो गया वर्ग समतली। अगला हम देखेंगे XeF6 ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड। यहाँ भी ज़ेनॉन का जो परमाणु क्रमांक है 54, बाह्यतम कोश में 5s2 5p6, अब फ्लोरीन के 6 परमाणु हैं अर्थात 2pz1 फ्लोरीन में प्रेजेंट है और एक फ्लोरीन में एक अयुग्मित, तो 6 फ्लोरीन में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अब ज़ेनॉन में 3 बार उत्तेजन कराएंगे, तो 5pz से इलेक्ट्रॉन एक बार उत्तेजित होकर 5d में, 5py से उत्तेजित होकर 5d में, 5px से उत्तेजित होकर के 5d में जाता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं एक लोन पेयर प्रेजेंट है। टोटल इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर 7 होता है जिसमें से एक लोन पेयर है और 6 बॉन्ड बनाने वाले हैं, अर्थात 6 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्डिंग पेयर की तरह कार्य करेंगे। तो अब जब ये अतिव्यापित होंगे 2pz1 के साथ, इनमें जो संकरण है, यहाँ पर जो संकरण है वह sp3d3 संकरण होता है, जिसमें sp3d3 संकरण के द्वारा हम देख रहे हैं 6 बॉन्ड पेयर बना और ये जो sp3d3 संकरित कक्षक हैं वो फ्लोरीन के 2pz1 के साथ अतिव्यापित होते हैं और एक यहाँ पर लोन पेयर की तरह कार्य करता है। इसी लोन पेयर के कारण इसकी संरचना पंचकोणीय द्विपिरामिडी न होकर अष्टफल की होती है, विकृत अष्टफल की संरचना को ये दर्शाने लगते हैं। तो अब यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, इस लोन पेयर के कारण इसकी संरचना विकृत अष्टफल की जैसी हो जाती है। अब हम ज़ेनॉन के जो फ्लोराइड हैं उनके कुछ गुणों के बारे में जानेंगे, कुछ भौतिक और रासायनिक गुण। ये रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं और ये बहुत अच्छे ऑक्सीकारक भी होते हैं और फ्लोरीनी कारक भी होते हैं। तो कुछ रिएक्शन हम इससे रिलेटेड देखेंगे कि ज़ेनॉन डाईफ्लोराइड जब HCl से रिएक्ट होता है तो क्या बनेगा। तो XeF2 plus 2HCl is equal to Xe plus 2HF plus Cl2। इसी प्रकार XeF4 जब HI से रिएक्ट हो रहा है तो XeF4 plus 4HI is equal to HF plus 2I2 plus Xe। तो जब हम बैलेंस करेंगे तो 4HF होता है।
अगला हम देखेंगे ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड जब प्लेटिनम टेट्राफ्लोराइड से रिएक्ट होते हैं, तो यहाँ प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड बनता है। ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड XCF4 प्लस PTF4, 2 PTF4 इज इक्वल टू ज़ेनॉन प्लस 2 PTF6 प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। ज़ेनॉन का टेट्राफ्लोराइड जब सल्फर टेट्राफ्लोराइड से रिएक्ट होते हैं तो भी सल्फर हेक्साफ्लोराइड बनता है, तो XCF4 प्लस 2SF4 इज इक्वल टू XC प्लस 2SF6। अब हम इसके कुछ और गुणों के बारे में जानेंगे कि ये आसानी से जल अपघटित हो सकते हैं, तो जल अपघटित होकर ये ज़ेनॉन के ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। तो XCF2 जब जल से क्रिया करता है तो वो एक मंद अभिक्रिया होती है, जबकि XCF4 और XCF6 जब जल से क्रिया करते हैं तो यह एक तीव्र अभिक्रिया होती है। तो XCF2 जब जल से क्रिया करते हैं तो बनता है 2XCF2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू XE प्लस 4HF प्लस O2। तो बैलेंस करेंगे तो 2XE लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला है जब ज़ेनॉन टेट्रा और हेक्साफ्लोराइड जल अपघटित होते हैं तो 6XCF4 प्लस 12H2O इज इक्वल टू 2XCO3 ज़ेनॉन का ऑक्साइड बना प्लस 4XE प्लस 24HF प्लस 3 ऑक्सीजन 3O2। अगला है XCF6 जब जल अपघटित हो रहा है तो ये दोनों रिएक्शन तीव्र अभिक्रिया को दर्शाता है, तो XCF6 प्लस 3H2O इज इक्वल टू XCO3 प्लस 6HF। ज़ेनॉन जो डाईफ्लोराइड है वह जटिल लवण भी बनाते हैं। XCF2 जब MF5 के साथ रिएक्ट होते हैं तो एक जटिल लवण बनते हैं, मतलब जैसे हैं वैसे ही हम इसे उतार सकते हैं, तो XCF2.MX5 के रूप में एक जटिल लवण यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जिसमें से XCF2 जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एक आयन को शो कर रहा है जबकि MF6 जो है वो नेगेटिव चार्ज्ड आयन को शो करता है। यहाँ पर हम कुछ लवण के बारे में जानेंगे कि ज़ेनॉन के जो डाईफ्लोराइड है टेट्राफ्लोराइड है वो किस प्रकार से लवण का निर्माण कर सकते हैं, तो उसमें कुछ उदाहरण हम लेंगे। फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ इसकी क्रिया एवं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ XCF4 की क्रिया। यहाँ पर जो फ्लोराइड है वो फ्लोराइड जो है दाता की तरह कार्य करते हैं और किसी भी ग्राही के साथ क्रिया करके धन आयन एवं फ्लोरो ऋण आयन भी बना पाते हैं। तो XCF2 जब फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो XCF2 प्लस PF5 इज इक्वल टू XCF2.PF5, जबकि XCF4 भी एक लवण बना पाता है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ, XCF4 प्लस SBF5 इज इक्वल टू XCF4.SBF5। अब हम ज़ेनॉन एवं ज़ेनॉन के साथ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनने वाला जो यौगिक है यानी ज़ेनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके बनाने की विधि को देखते हैं। तो जो चीज़ें हमने ज़ेनॉन के फ्लोराइड के गुणों में पढ़ी थी वही इसके बनाने की विधि हो सकती है, यानी एक ही रिएक्शन को आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। ज़ेनॉन के फ्लोराइड के जो गुण हैं वही ज़ेनॉन के ऑक्साइड के बनाने की विधि भी हो गई। तो ज़ेनॉन के ऑक्साइड बनाने की जो पहली विधि है ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड का जल अपघटन कराने पर, तो ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड जब जल अपघटित होते हैं तो ज़ेनॉन ट्राईऑक्साइड बनता है। 6XCF4 प्लस 12H2O इज इक्वल टू ज़ेनॉन बना है यहाँ पर, 4 ज़ेनॉन बना प्लस 2XCO3 प्लस 24HF प्लस 3O2। ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड जब जल अपघटित होता है XCF6 प्लस 3H2O इज इक्वल टू XCO3 प्लस 6HF। इसी प्रकार ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड जब जल से क्रिया करता है तो ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड भी बनता है और ज़ेनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड भी बनता है। तो XCF6 प्लस H2O इज इक्वल टू XCOF4 प्लस 2HF। इसी प्रकार XCF6 प्लस 2H2O इज इक्वल टू XCO2F2 प्लस 4HF। तो ज़ेनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड यहाँ पर
दोनों ही स्थिति में हम देख रहे हैं कि ज़ेनॉन के हेक्साफ्लोराइड के जल अपघटन के द्वारा ज़ेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड को भी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न हम पढ़ेंगे कि ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का जो जल अपघटन है, क्या वह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे और उसके ऊपर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते जाएंगे और देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी तरह का परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, तभी हम डिसाइड करेंगे कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया का अर्थ होता है कि जब किसी भी रिएक्शन में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े या ऑक्सीडेशन नंबर घटे, तभी वो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हम HCF6 का जल अपघटन कराएंगे। तो HCF6 plus H2O is equal to HCOF4 plus 2HF बना, और दूसरी स्थिति देख रहे हैं HCF6 plus 2H2O is equal to HCO2F2 plus 4HF। यहाँ ऊपर वाले रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जो ज़ेनॉन है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 है, फ्लोरीन के लिए -1, H2O में H+1, ऑक्सीजन -2। जब ये उत्पाद में परिवर्तित हुए अर्थात HCOF4 में परिवर्तित होता है, तो ज़ेनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह भी +6 है, ऑक्सीजन -2 और फ्लोराइड के लिए यहाँ -1 है, जबकि हाइड्रोजन +1 और फ्लोराइड -1। तो किसी भी जगह पे हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा अभिकारक में था वैसा ही उत्पाद में भी हुआ। जबकि दूसरे रिएक्शन में देखिए HCF6 plus 2H2O is equal to HCO2 plus F2 is equal to 4HF। तो यहाँ भी HCF6 में ज़ेनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है, फ्लोराइड के लिए -1, एच में +1, ऑक्सीजन -1। जब ये क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं ज़ेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड में, तो यहाँ भी ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ऑक्सीजन -2, फ्लोराइड का -1, जबकि हाइड्रोजन +1 और फ्लोराइड -1। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन नहीं आया, जैसा अभिकारक में था वैसा ही उत्पाद में है, तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है।